अकलेरा में रैपिड एक्शन फोर्स व पुलिस विभाग द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की प्लाटून नंदलाल मीणा सहायक कमांडर के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी एवं जवानों द्वारा 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जिले के सभी पुलिस थानों में जाकर परिचय अभ्यास करवाया जा रहा है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। इस दौरान थाना प्रभारी पुष्पेंद्र बंसीवाल की मौजूदगी में थाना क्षेत्र में परिचय अभ्यास करवाने के पश्चात कस्बे के मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स के इस परिचय अभ्यास के आयोजन की जानकारी देते हुए नंदलाल मीणा सहायक कमांडर ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा बलवाहिकों की सूची तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक तनाव एवं दंगे की स्थिति निर्मित होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। दल सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। A83 बटालियन द्रुत कार्य बल द्वारा भी क्षेत्रों का चित्र बनाया जाएगा। इस मानचित्र का उद्देश्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर बल नियंत्रण के लिए नियुक्त स्थल पर तत्काल पहुंचने में सुविधा हो सके। रैपिड एक्शन फोर्स ग्रामीण क्षेत्रों का भी अध्ययन करेगी। द्रुत कार्य बल द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है जो नियमित अंतराल के बाद किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न कस्बों, शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जाता है। अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ की प्राकृतिक आपदा, असामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे विषय में परिस्थितियों में द्रुत कार्य बल शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद कर सके। इस दौरान द्रुत कार्य बल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न समाज उपयोग कार्य जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, योग अभ्यास, जागरूकता खेलकूद अभियान आदि करती है। बीपीएनयू संवाददाता योगेंद्र मीणा की रिपोर्ट, अकलेरा, राजस्थान से खबर। सर, आज जो आप यहाँ आए हैं, इसका क्या मकसद है और इससे क्या मिलेगा? रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन जयपुर से यहाँ पे आई है। हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ के इस इलाके की भौगोलिक जानकारी और अन्य चीज़ों का पता करना। किसी भी सूरत में जब कभी यहाँ पे शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो रैपिड एक्शन फोर्स सरकार के निर्देशानुसार जल्दी से जल्दी पहुंचकर वहां पे पुनः शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य है यहां पर पहुंचने का। हाँ, मतलब इसके कि आपको पूर्वान में ये देखना नहीं पड़ेगा इस टाइम पे कैसे क्या करना है। हाँ जी, अगर हम लोगों को इलाके की पहले से जानकारी है, भौगोलिक परिस्थिति हो चाहे यहाँ की अन्य जानकारी हो, उनका हम लोग पूर्व में ही हमें पता रहता है, तो दोबारा पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ज़्यादा मशक्कत और ज़्यादा दिक्कतें नहीं पैदा हो, इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ